इस दिन होगा कलयुग का अंत और पृथ्वी का होगा नष्ट। देवताओं के अनुसार करीब 1200 दिव्य वर्ष मतलब कि 4,32,000 वर्षों का होगा कलयुग। इस युग में युवा अवस्था तो समाप्त हो जाएगी और 20 की आयु में लोग बूढ़े हो जाएंगे। तब गंगा नदी सूख कर वापस अपने वैकुंठ धाम लौट जाएगी और जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़ कर अपने अपने धाम लौट आएंगे। इंसानियत तो पूरी मिट जाएगी और चारों ओर अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी जो अच्छा आदमी है वो तो चैन से रह भी नहीं पाएगा। तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार का जन्म होगा। तब वो केवल 3 दिन के अंदर धरती से सारे पापियों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। फिर पृथ्वी पे वापस लगातार पूरे 12 वर्षों तक बारिश होगी जिससे कि धरती जलमग्न हो जाएगी। तब 12 सूर्य 12 सूरज एक साथ उदय होंगे और फिर पृथ्वी सारे जल को सोख लेगी और उसके बाद पृथ्वी में एक नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा। गूजबम्स आगे बोलते बोलते सच भैया अगर होगा तो कितना अमेजिंग होगा। 12 सूरज इतना सारा पानी 12 साल तक एंड नई धरती होगी हमारे पास और उसी को हम सत्युग के नाम से जानेंगे।